नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। जैसा कि आपको पता होगा कि हाल ही में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर थे और अमेरिका गए थे, और यहां से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों बनेंगे, उन सब का MCQs इस वीडियो में लगाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? ऑप्शन बी वाशिंगटन DC। तो देखिए, आपको बता दें कि अमेरिका में एक वाशिंगटन है जो कि एक स्टेट है, और दूसरा वाशिंगटन DC है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का जनसंख्या में विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए तीसरा। तो देखिए, आपको बता दें कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पे भारत, तीसरे पे USA, चौथे पे इंडोनेशिया, पांचवे पे पाकिस्तान, छठे पे ब्राज़ील और सातवें पे नाइजीरिया। ये तो हुई जनसंख्या के दृष्टि से। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो देखिए, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस, दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे USA, पांचवे पे ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर हमारा प्यारा भारत। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है, जनसंख्या के दृष्टि से USA तीसरे स्थान पर है, और वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से USA चौथे स्थान पर है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी बेसबॉल। नेक्स्ट, भारत के USA में राजदूत कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन श्रृंगला। नेक्स्ट, अमेरिका के किस शहर में हाउडी मोदी समारोह का आयोजन किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी ह्यूस्टन। नेक्स्ट, PM नरेंद्र मोदी द्वारा किस संस्था के मुख्यालय पर भारत की सहायता से निर्मित गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र। तो देखिए, गांधी सोलर पार्क जो है राष्ट्रपति के 150वें जयंती वर्ष पर इसका उद्घाटन किया गया, और यहाँ पर बापू के नाम का डाक टिकट भी जारी किया गया। और इस गांधी सोलर पार्क का क्षमता जो है 50 किलोवाट है। और एक बात ध्यान रहे, यहाँ पर ओल्ड बेस्ट बड़ी में गांधी पीस गार्डन का भी उद्घाटन किया गया। और एक बात ध्यान रखना है, गांधी सोलर पार्क में 193 पैनल है, आप चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पे उद्घाटन कुछ यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के कुछ अलग सदस्य हैं, और यहाँ पे हमारे मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इंडिया कैरी कॉम लीडर्स मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। नेक्स्ट, भारत के 14 मिलियन के ग्रांट के साथ कैरी कॉम देशों को कितने मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत ऋण दिया गया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी 150 मिलियन। नेक्स्ट, भारत USA व किस अन्य देश के बीच मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट है मालाबार नौसेना अभ्यास। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी जापान। तो देखिए, मालाबार अभ्यास 2019 ये USA, जापान व भारत की नौसेनाओं के बीच नौसेना अभ्यास है। आपको बता दें कि 1992 में भारत व अमेरिका के बीच ये मालाबार अभ्यास हुआ था, और 2015 में जापान भी शामिल हो गया। इस प्रकार मालाबार अभ्यास में 3 देश हो गए, भारत, अमेरिका और जापान, और ये 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होगी। और भारत की तरफ से इस मालाबार अभ्यास 2019 में भारत की INS सह्याद्री, INS कीर्तन व बोइंग P8I शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यूयॉर्क में किस समूह के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक हुई? तो यहाँ पे सही जवाब होगा क्वाड, ब्रिक्स यानी कि ऑप्शन सी
उपयुक्त दोनों। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि क्वाड समूह में चार देश हैं जिनमें कि इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है जापान। और वहीं पे दोस्तों ब्रिक्स में आपको पता ही होगा, ब्रिक्स में है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ये बताइए कि ब्रिक्स का हेड क्वार्टर कहाँ है, आप ये कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत व USA के बीच युद्धाभ्यास 2019 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वाशिंगटन DC। तो देखिए आपको बता दें कि ये युद्धाभ्यास का 15वां संस्करण है और ये जॉइंट बेस लुइस मैककार्ड में आयोजन हुआ, और कब तक हुआ? 6 से 18 सितंबर तक। नेक्स्ट, भारत और USA की सेनाओं के बीच टाइगर ट्राइम्फ संयुक्त अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टाइगर ट्राइम्फ संयुक्त अभ्यास का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे दोस्तों सही जवाब है। नेक्स्ट, 2019 में PM नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र का संबोधन किया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 74वें। तो देखिए दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ये संयुक्त राष्ट्र की 6 प्रमुख संस्थानों में से एक है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना वर्ष 1945 में की गई। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष है तिजानी मोहम्मद बंदे। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट, अमेरिका की बोइंग कंपनी के साथ भारत ने कितने बोइंग AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए समझौता किया है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 15। तो देखिए आपको बता दें कि अमेरिका की बोइंग कंपनी के साथ भारत ने बोइंग AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर 15 समझौता किया है, जिनमें कि 8 भारत को मिल चुका है, और आप चित्र में देख सकते हैं यही है बोइंग AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट, USA भारत के किस नंबर का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2। क्यों? क्योंकि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चाइना है, यानी कि चाइना भारत के साथ व्यापारिक साझेदार में नंबर 1 पर है, और वहीं बात करें दूसरे नंबर पर तो दूसरे नंबर पर USA है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट, बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन द्वारा किसे ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, हाल ही में ब्लूमबर्ग वैश्विक व्यापार मंच का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। दोस्तों आपको बता दें कि ब्लूमबर्ग वैश्विक व्यापार मंच में भारत की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया, और इसका थीम है रीस्टोरिंग ग्लोबल स्टेबिलिटी। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ब्लूमबर्ग वैश्विक व्यापार मंच का थीम है रीस्टोरिंग ग्लोबल स्टेबिलिटी, और ये भी ध्यान रखिएगा इनमें भारत की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भारत और अमेरिका से संबंधित। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और कुछ इंप्रूव करना हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो।